ओम गुरुभ्यो नमः। मेष राशि वाले, हाँ थोड़ा मेष राशि का प्रार्थना कर देंगे। ओम गुरुभ्यो नमः। हम गम गणपते नमः। हम नमते नमः। हम रामाय नमः। हम माते श्री नमो नमः। ओम विष्णु विद्याय नमः। दुर्गाय अष्टमा कालिक अष्टमा लक्ष्मी अष्टसते जगज्जननी आदिमादमा राजराजेश्वरी चैतन्यमय आनंदमय कल्याणमय माते श्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम स्थानाधिष्ठाय कुलदेव कुलदाय नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। हैं भाई मेष राशि वाले, अब देखो चमत्कार क्या है। मेष राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी, तो एक मेष राशि हो गया। दूसरा हो गया भरणी, ठीक है। तीसरा हो गया कृतिका। हमारे उड़िया में कोई कोई द्विजा भी बोल देता है। आज चल रहा है इसी का, और इसी में राहु बाबा के साथ चंद्रमा ग्रहण लगा रहे हैं। तो ये अश्विनी नक्षत्र, अब ये जो राहु बाबा यहाँ भरणी में बैठे हैं तभी तो ग्रहण हो रहा है ना। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं मेष राशि और जोड़ाई नक्षत्र, जो पूरे चक्र है, नक्षत्र चक्र यहां से शुरू हो गया, अश्विनी में घुमा, रेवती में समापन हुआ। तो यहाँ ये जो एक नंबर नक्षत्र था, एक अश्विनी, हालांकि है गंडमूल, हाँ बड़ा भयंकर है, लेकिन ऑस्पिशियस है। क्यों बोला? देव वैद्य नहीं, अब उधर नहीं जाऊं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करने लगूंगा, 2-3 घंटा भागेगा। लेकिन मैं कहता हूं गंडमूल होने के बावजूद इट इज नॉट सो गुड, बट इट इज सो ऑस्पिशियस। ठीक है, घोड़ा वोड़ा सब इसका है, पेड़ उड़ जो नहीं वो उधर बाद में जाएंगे, उधर नहीं जाते हैं, अभी जाएंगे ये फिर वीडियो कचड़ा हो जाएगा। प्रवचक लोग हैं ना, भागते हैं तो भागते ही रहते हैं। ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, तो अश्विनी नक्षत्र गिनेंगे आगे। तो सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र को राहु कौन क्या दे रहा है। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि, आप बोलोगे राहु बेटा है, छोड़ेगा नहीं, बड़ा समस्या करेगा, लाइफ भ्रमित नहीं। अभी आपको जन्म संपद, राहु कहाँ है? संपद नक्षत्र में। तो क्या करना उधर भाई? हे ग्रीन नंबर 25 मार्क, एक टिक, संपद हो गया तो एक टिक दे देना है। तो चलिए हम एक टिक दे देते हैं अश्विनी नक्षत्र के लिए, एक टिक। क्लियर? और ये टिक के साथ क्या दे रहे हैं हम? संपद, तो ग्रीन लाइन पे आ गया, बढ़िया हो गया। इसके लिए अश्विनी नक्षत्र में राहु बुरा नहीं करेगा, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के लिए कुछ ना कुछ, ये जोन जब तक राहुदेव भरणी में है आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिलेगा। क्या? संपद। अब संपद माने क्या? खाली रुपया, रोकड़ा, गांधी छाप, बाबा हैं? नहीं, संपद बहुत प्रकार के संपद हैं। ज्ञान भी, ज्ञान संपद भी है, धन संपद है, पुत्र भी संपद, जितने सारे संपद का लिस्ट है सारे कुछ ना कुछ कहीं ना। अब वो क्या मिलेगा फिर, वो माइक्रो स्टडी है। पकड़ आपके लिए अच्छा हो गया, ठीक हो गया ना। अब इसमें नंबर कितना देंगे? 25। 25 नंबर मिल गया, फायदा लाभ में हो। अब बात करते हैं इसी बार अश्विनी नक्षत्र का राहु दे रहा है संपद, केतु क्या दे रहा है? अब केतु कहां पर है? स्वाति नक्षत्र। किसका? खुद राहु का। अब तो यहां से आपको पॉजिटिव मिल गया, इसको नहीं लिखना है, राहु का नक्षत्र तक गिनना है। ठीक है, एक राहु का नक्षत्र कहां है आप देख लीजिए, यहां से राहु का नक्षत्र पड़ता है, ये केतु का नक्षत्र है, इधर मृगशिरा आद्रा, आद्रा नक्षत्र है। या फिर अगर ये नहीं जानते हो, समस्या है, तो गिन लो सीधा यहां से, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अति मित्र, हो गया। अति मित्र के बाद यहां से ये फिर केतु का नक्षत्र है अश्विनी, केतु का नक्षत्र, तो ये जन्म नक्षत्र हो गए। टारगेट हमको कहां चलना है? ये स्वाति तक चलना है। तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, कहां पड़ गया? ये पड़ गया प्रत्यारी के बाद साधक में। साधक होने से आपके लिए कच्चे पोवार और 25 नंबर दे दो,
50 नंबर सुविधा में चल रहे हो, ठीक है। अच्छा चलते हैं। अब यहाँ ये आप ये जो प्रत्यारि के बाद साधक है तो उसमें क्या मिलेगा, आपको बहुत सारा कार्य साधित होंगे, साधना क्षेत्र में विकास करोगे, असाध्य चीज साध लोगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा है, अब उसमें चिंता मत करो कि 25 नंबर पॉजिटिव बढ़िया हो गया। अब बात करते हैं फिर से, अब देखेंगे कि शनि क्या दे रहा है दशम में बैठ के, किस जोन में शनि चल रहा है। तो शनि को डरना नहीं है, तो और अगर शनि बुरा दे रहा है तो डरना है। फिर गिनो यहां से, साधक, साधक हो गया, साधक के बाद बाधक, मित्र, अति मित्र, क्लियर। अब यहां से फिर यहां मूल मूल आ गया, मूल फुर केतु का नक्षत्र, तो जन्म संपत विपत, विपत के बाद प्रत्यारी, प्रत्यारी के बाद शनि बाबा धनिष्ठा में साधक, कितना बढ़िया है। फिर से 25 मार्क मिल गया, ये 25, 100 में से 75 तो कमा लिए। अब देखते हैं राहु क्या दे रहा है, ठीक है। गिर गया, रुको, कहाँ गिरा भाई, अच्छा जहां गिरा। अब उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए गुरु क्या दे रहा है। पांच मिनट रुको, मिनिस्ट्री ऑफ होम बुलावा बाद में बना लेंगे, इतना ही कर, पर्सनल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री आ गए। तो यहां कहां पर थे हम लोग, 25 नंबर पे साधक पे थे, दो साधक है, मतलब मेष राशि का पहला नक्षत्र जो भी जन्म हुए हैं सुप्योर ऑस्पिशियस पीरियड बनेगा। और यहां से ये जो साधक यहां से गिने थे, यहां से फिर शनि तक गिनना है, तो क्या गिनोगे यहां, ये तो साधक था, साधक बाधक, मित्र, अति मित्र, फिर जन्म संपद विपद, क्षमा, हेलो प्रत्यारी आ गया। प्रत्यारी में यहां थोड़ा शनि बाबा कहीं ना कहीं से, ओ ये हो गया, ये सॉरी साधक गलत बोला, ये ठीक है, साधक दे दिया, फिर एक बार गिन लेते हैं, शायद मैं भूल कर दिया, तो स्वाति नक्षत्र, अच्छा इसको मैं मिला के गिन दिया था, ठीक है, ये साधक हो गया। उसके बाद साधक से गिनेंगे शनि बाबा का धनिष्ठा नक्षत्र से, साधक बाधक मित्र अति मित्र उत्तरा भाद्रपद में गुरु चल रहे हैं, देख लो कच्चे पुआ 12 एकदम डबल टिक, 50 नंबर यहां ले, क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ गया। यानी अभी सबसे बेस्ट अश्विनी नक्षत्र पॉजिटिव ही पॉजिटिव, तो जितने अश्विनी नक्षत्र वाले मेष राशि का जन्म हुए होंगे सबके लिए एक सॉलिड टाइम जोन बड़े प्लैनेट से। अगर कहीं से गेम बिगड़ेगा तो बिगड़ सकता है छोटे ग्रह, जैसे अभी मिथुन वृष में मंगल चल रहे हैं और यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र, ये लोग अगर, और आखिरी फाइनल पॉइंट देगा चंद्रमा, तो ये अगर नक्षत्र कहीं पर नेगेटिव जोन पे आ गए, बाधक जोन पे आ गए, या इनका नंबर ज्यादा हो गया, तब समस्या देंगे, लेकिन वो बहुत लंबा देर तक नहीं देंगे, टेम्पररी लेवल पे देंगे। तो परमानेंट जोन पे मेष राशि का ये पहला अश्विनी नक्षत्र सबसे बढ़िया आपके लिए है, दशम में शनि रहने के बावजूद नेगेटिव बहुत कम, पॉजिटिव बहुत ज्यादा। कब, 2023 का पूरा साल नहीं, जब यहाँ से गुरु अपना मेष राशि में चले जाएंगे तब थोड़ा अलग नक्षत्र का गिनती होगा, फिर राहु जब यहाँ घुसेंगे, तो जब तक नवंबर है यानी पूरा साल तो खींच लिया राहु का, और यहाँ शनि भाग भी गए तो भी धनिष्ठा में रहते हैं, तो ले दे के आपके लिए इस आने वाला 2023 का पहला हाफ सबसे बढ़िया पीरियड आपके लिए जाने वाला है, एक गुड पीरियड जाने वाला है। फिर जब नक्षत्र परिवर्तन होंगे, फिर यहाँ पर मैं चार्ट है मेरा, वो दूसरा फ्लो चार्ट में, उस चार्ट के अनुसार मैं आपको बता दूंगा कि आगे जब भी ऐसे कंडीशन जोन पे आएगा फिर मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये आपके लिए नेगेटिव जोन पे आ गया, लेकिन आपके लिए मेष राशि वालों का सबसे बढ़िया टाइम पीरियड इस काउंट के अनुसार, ठीक है। फिर राहु गलत क्या करेगा आपका, राहु घुस गया मेष राशि में, हे कर देगा, वो कर देगा, ये राशि में ऐसा निकलेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा।
क्योंकि यहाँ वो खुद संपद में बैठा है, यहाँ साधक में बैठा है, दो दो साधक में चल रहे हो, क्लियर। फिर कोई राशिफल वाला कितना भी नेगेटिव आपको समझा दे, कितना भी ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा, राहु बैठा है बकरी होके, ग्रहण हो जाएगा तकरी होके, अब सोचो ना ये ग्रहण भी आपके लिए संपद में, तो क्या कहूंगा मैं अभी, क्या कहूंगा, बोलो 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 बोलो। अब मैं कहूंगा कितना भी ग्रहण हो जाए, ये ग्रहण आपको संपद ला के देगा, संपद पाओगे। अब यहां मेष राशि वालों का सप्तम स्थान पे हो रहा है, आपका स्पाउस हाउस झमेला हो जाएगा, बीबी के साथ झगड़ा हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा। अरे महाराज आप ही तो कहे थे, अभी फिर कहे पलट रहे हो? नहीं पलट रहा हूं, ठीक से देखो मेरा राशिफल। तो यहाँ क्या मिलेगा, क्या साधक, बहुत कुछ साध लोगे, क्लियर। अब डरना नहीं है ना, अब नहीं डरोगे, ठीक। जय हो, जय गो माता, जय गोपाल, हो गया। अगला फिर नेक्स्ट नक्षत्र का करेंगे।